ये रही हमारी गाड़ी। हमारी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी एंड अब सामने नई बनके आ चुकी है। Hey guys, welcome back to a new vlog। आज सुबह उठते ही मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया और वो धोखा ये कि मैंने कल रात अलार्म लगाया था 4 बजे का, क्योंकि मुझे 4 बजे उठ के एडिटिंग करनी थी तो मैंने अलार्म लगाया और सो गया। और सुबह उठा हूँ मैं 7 बजे, मेरा अलार्म बजा ही नहीं, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो अलार्म बजा ही नहीं। 7 बजे उठा, नो एडिटिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं करा था मैंने। तो 7 बजे उठ के फिर मैंने एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करी, फिर अपलोडिंग करा एंड फाइनली 9 बजे व्लॉग अपलोड हो चुका है। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:45। अपनी सबसे बड़ी टेंशन जो होती है वो है अपलोडिंग, वो कर दी है तो बस अपना काम खत्म, अब नया व्लॉग चालू। चुलबुल ये क्या देख रहा है, मेरा बच्चा, मेरा बाबू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तेरे को धूप से कहेंगे, बाहर बहुत अच्छी धूप आ रही है, और ओम से कहेगा चुलबुल को धूप, चल उठ चुलबुल को धूप सिखा, उठ चुलबुल को धूप सिखा, चुलबुल को धूप सिखा, उठ उठ उठ। अरे वाह, गुड मॉर्निंग पापा, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नालिया नालिया, पूजा पाठ कर ली। अरे वाह, अब एक्सरसाइज का पार्ट चल रहा, आधे घंटे का फिर जाना भी मुझे। कहाँ? गाड़ी भी लेने जाना है। अरे हाँ, कल यार पंगे में डाल दिया बेफालतू में। क्यों? अरे मम्मी पापा के फोन आ गए वहां से। हाँ। वो डांट रहे सुबह सुबह। अरे करे कैसे गाड़ी चलाते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कहा ये समझो कि तुम्हारा बेटा बच गया, बस हो गया। क्या बोल बता, सही बोल रहा हूँ। गाड़ी तो बन जाएगी, गाड़ी तो बन जाएगी, टेंशन मत लो। टेंशन देने का काम है, टेंशन लेने का नहीं है। और दे भी दिया टेंशन आपने, सही कर। टेंशन दे भी दिया, आप तो टेंशन देते हैं, लेते नहीं हो, लेते कभी नहीं, ये सही है। बाकी अभी फटाफट नहाता हूं मैं और फिर जाएंगे, आज गाड़ी लेके आएंगे बिल्कुल नई है, तभी नहाते हैं और मिलते हैं। अभी मस्त गरम गरम पानी से नहा लिया मैंने। और ये ओम सबसे लेट में उठता है और उठ के इसको अपना बिस्तर समेटना चाहिए, लेकिन नहीं समेटता है, उठता है और सीधे बाहर भागता है और ये बिस्तर अपना ऐसे छोड़ देता है। अब क्या करे, अब मैं समेटता हूँ, बड़ा भाई हूँ, क्या करूँ, समझाऊंगा इसको भी। चलो भैया बिस्तर डन। ओ भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इलायची वाला दूध बना रहा हूँ। इलायची वाला दूध बनाएगा है? सुबह सुबह उठा, ना बिस्तर समेटा, ना कुछ करा। अगली बार, आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तूने कल से ऐसा करा तो तू मेरे हाथ से गया, समझा? भाई हम अपने नौकरों का काम नहीं करते। क्या बोला? हम अपने नौकरों का काम नहीं करते। नौकर हो? हाँ। कौन नौकर? आप। तेरी, तेरी। अभी आ रही है मस्त धूप, तो मस्त धूप में बैठे हैं और साथ में पापा भी है, मस्त लाल टमाटर हो रहे धूप में बैठे बैठे। अभी तो मस्त हो रहे हैं ना, इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी ना। हाँ, फिर काले हो जाएंगे, फिर भागेंगे गर्मी को देख कर भी। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। खाने में है दाल और चावल, तो मैंने खाना ले लिया है अपनी प्लेट में, तो बस अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि आज सुबह नाश्ता भी नहीं करा। मम्मी सुबह से नीचे अपने मेकअप स्टूडियो में है, तो बस फटाफट खाना खा लेते हैं। और पापा भी अभी कुछ काम से बाहर गए हैं, अभी घर आएंगे और जाएंगे कार लेने के लिए, तो बस अभी खाना खाते और मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं नई गाड़ी की डिलीवरी लेने, हमारी मर्सिडीज आ चुकी है तो उसकी डिलीवरी लेते हैं, ले रहे हैं डिलीवरी, तो जल्दी से चलते हैं और अपनी रेंज रोवर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जो तीनों एक साथ ले रहे हैं उनकी डिलीवरी लेते हैं, तो चलते हैं। सामने गाड़ी तैयार है, पापा बैठे गाड़ी के अंदर और पापा के फ्रेंड की गाड़ी है, तो बस चलते फटाफट। ये देखो गाइस हमारी रोल्स रॉयस आ चुकी है, इसमें हम जाएंगे डिलीवरी लेने, चलो। From my window. Okay, thank you uncle, thank you. Bye. पहुंच गए हैं, अंकल भी आ गए साथ में। तो ये रहा सामने अपना होंडा का शोरूम, यहाँ से हमने 2 साल पहले ली थी अपनी न्यू कार होंडा में। आज लेंगे एक और न्यू कार और आज लेंगे अपनी डैमेज कार का नया वर्जन। नया वर्जन मतलब पूरी नई गाड़ी हो चुकी है, मतलब वो जो टूटी थी ना वो पूरी नई बन चुकी है अब, तो बस जाएंगे और अपनी नई गाड़ी लेंगे। सामने रखी दिख रही है मेरे को मेरी लाली। तो ये रही अपनी गाड़ी और गाड़ी बिल्कुल फिट हो चुकी है, बस अभी बात हुई है भैया से, तो भैया कह रहे की गाड़ी की होगी वॉशिंग, तो वॉशिंग के बाद दिखाएंगे बिल्कुल अच्छे से। बाकी ये है पूरा सर्विसिंग एरिया, यहाँ पर सारी गाड़ियों की सर्विसिंग होती है, सारी गाड़ी अच्छी पर रखी हुई है, ये बिल्कुल मस्त तरीके से। तो अभी चलते हैं अंदर, वहाँ पर कुछ बिलिंग वगैरह होगी गाड़ी की जो कॉस्ट आई है, और फिर वो करके गाड़ी होगी वॉश और फिर चलेंगे सीधा घर। Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. तो बाकी अंदर तो अभी हो रही है बिलिंग की सारी प्रोसेस और यहाँ पर है बहुत सारी गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ देख रहे हैं, बता कौन सी गाड़ी लेगा,
जो बोलेगा सारी गाड़ी तेरे को तेरा भाई दिलाएगा। यार यहाँ पर बहुत सस्ती गाड़ी है यार, मुझे लगा BMW मर्सिडीज होंगी, यार तो भयंकर हमारी जुत्ती के साइज जैसी गाड़ियाँ यार। जुत्ती के साइज, अबे यो तेरी जो जुत्ती है ना फटके बाहर आ जाएगी, समझा? ये देखो तेरा, ये देखो जरा। I don't make a sound when I shut the door. You don't have to. क्या हुआ? ये बहुत बेकार गाड़ी यार, मजा सा नहीं आया, इस गाड़ी में चलते हैं। ओ भाई ओ ओ We can spend all day. क्या कर रहा है भाई? ये वाली मस्त है। मस्त है? हाँ। बहुत मस्त है भाई। हाँ। बहुत महंगी भी है। कितनी है? कम से कम होगी यार, कम से कम 16 लाख की, 17 लाख, 17-18 लाख। होंडा सिटी है। 17 लाख? हाँ 17-18 तो होगी यार, 18-19-20 लाख या 15 लाख, 16 लाख। क्या हुआ? हुआ क्या? क्या हुआ भाई? तू सीधे गाड़ी से सीधे इसमें आ गया भाई? वो 16 लाख की है, 16 लाख के पीछे कितने जीरो आते हैं इतना भी नहीं पता मुझे, औकात के बारे वो ये है अपनी औकात में, मेरी धूम थ्री की सुपर बाइक। वाह। Have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. भाई वो देखो ऊपर सनरूफ। भाई ये सनरूफ सपना है भाई, कब ये सपना पूरा होगा? पूरा होता तो है हर रोज। कब? अरे ऊपर जाते हैं अपनी छत में, छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूफ। हाँ। और सन यानी धूप सेकते हैं हम, सनरूफ हो गया। अपना लॉजिक अपने पास रख चल भाई। यहाँ पर अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाते हुए बाहुबली बन रहे बहुत ज्यादा। ओए बाहुबली सस्ते वाले, 20 रुपए दिहाड़ी पे मंगाए हुए बाहुबली। शोरूम में आया हूँ मैं और शोरूम में मेरे से काम करा रहे हैं, कह रहे की धक्का मारू गाड़ी में। हम गाड़ी में बैठे थे, हमको बाहर निकाल के बोला धक्का मारो, गाड़ी में बैठा था और बोल रही भारत लोग गाड़ी धक्का मार रहे हैं। हम दिहाड़ी मजदूर है भाई, क्या करें। तो ये रही हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, बट ये हमारी गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी, ये जो इसका बोनट है वो ज्यादा डैमेज था, लेकिन हमारी गाड़ी का जो साइड वाला पार्ट है, जो दरवाजे, वो डैमेज हुए थे। तो ये कुछ खतरनाक वाली गाड़ियां हैं भाई, एयरबैग भी खुले हैं, सबके एयरबैग खुले हुए हैं, मतलब ये होंडा सिटी, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, और इन सारी गाड़ियों के एयरबैग खुले हुए हैं, ये अंदर एयरबैग खुले हैं, पूरे डैमेज गाड़ियां हैं। तो हमारी गाड़ी की हालत भी कुछ ऐसी थी, एंड अब सामने नई बनके आ चुकी है बिल्कुल नई गाड़ी। तो बस चलते हैं और दिखाते गाड़ी बिल्कुल अच्छे से। To wake up, yeah.